सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर बहुत ही अनुसंधान प्रयोगशाला के अंतर्गत में रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गया है जो अहमदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर असिस्टेंट और जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पोस्ट डिटेल क्या क्या है। तो यहाँ असिस्टेंट के लिए पोस्ट दिया गया है जहाँ टोटल 11 पोस्ट है। तो यहाँ अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार होंगे, जहाँ पर आपके रिटन टेस्ट होंगे और उसके बाद में आपके स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। हाँ, कंप्यूटर के अंतर्गत में आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन इस प्रकार रखी है, जहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स के साथ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि के साथ में होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास के साथ में होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए, और इसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना मैंडेटरी है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर 6 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपके रिटन टेस्ट होंगे और उसके बाद में स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, जो आंसू लिपि के अंतर्गत होगा। यहाँ पर आपके एजुकेशन क्या रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में, जो फर्स्ट क्लास के साथ में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में, और इसके साथ में आपके अंग्रेजी में आपके आपके स्टेनोग्राफी होनी चाहिए जो 80 वर्ड पर मिनट के साथ में होना चाहिए, और इसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी के साथ में, जो 80 वर्ड पर मिनट के साथ में होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में आप बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। इसके अतिरिक्त एसटीएससी पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होंगे, जहाँ एसटीएससी के कैंडिडेट को 5 साल के, ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल के और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग होगी 25,500 से 81,100 तक। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है। तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क सिर्फ अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है। यहाँ पर एसटीएससी के जो कैंडिडेट होंगे उनको किसी प्रकार का एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारी जानकारियाँ भरना है फोटोग्राफ के साथ में, और रजिस्टर करने के बाद में सबमिट को ऑप्शन दबा के एप्लीकेशन फी को पे कर दें। सामने जो डिटेल दिख रहे होंगे उसको प्रिंट में निकाल लें, जो फ्यूचर में आपके काम आने वाले होंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो गए हैं 10 सितंबर 2022 से, और लास्ट डेट होंगे आपके 1 अक्टूबर 2022। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 1 अक्टूबर 2022 के पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।